हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले एग्जांपल नंबर 28 जो बेसिक मैथमेटिक्स का है और गाला का क्वेश्चन पेपर में से लिया गया यह एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है। तो अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the sphere of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. सिलेंडर की हाइट फाइंड करने को बताया गया है। तो क्या है यहाँ पे, एक मेटालिक स्फीयर दिया गया है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया गया एक मेटालिक स्फीयर ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। उसको मेल्ट किया जा रहा है और उसके बाद रिकास्ट करवा रहा है किसके अंदर, स्फीयर ऑफ अ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का स्फीयर आप देख रहे हो, उसमें उसको रिकास्ट करवाया जा रहा है। अभी जो सिलेंडर का जो रेडियस है ना, वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ओके। तो सिलेंडर ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर की जो हाइट है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप कि तुम आप सभी मतलब क्वेश्चन को समझ गए होगे कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या दिया गया है। चलो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। हाइट ऑफ द सिलेंडर H डोंट नो सो क्वेश्चन मार्क, मतलब सिलेंडर की हाइट हमें पता नहीं इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। सिंस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू अ सिलेंडर, मतलब आपका जो स्फीयर है ना, ओके, ये वाला वो मेल्ट किया जाता है किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर मेल्ट किया जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हुआ, यस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमारे पास फॉर्मूलाज है, पहले वो देख रहे थे फॉर्मूलाज। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h, क्या है, πr²h। आपको यह फॉर्मूला काफी मतलब इम्पोर्टेंस और याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तभी आप एग्जाम्पल काउंट कर पाओगे। ओके डन, जो सो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³ लिखा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h। आप देख सकते हो बोथ ऑफ साइड पाई पाई है, तो मैंने कैंसिल कर लिया पाई को, पर यहाँ पे आर क्यू और आर स्क्वायर को आप कैंसिल नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये जो आर है ना वो स्फीयर का आर है और ये जो आर है वो सिलेंडर का आर है, मतलब रेडियस है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो तो आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने तो दोनों में स्मॉल आर लिखे, पर आप अगर आप कंफ्यूजन करना नहीं चाहते तो कैपिटल आर भी सो मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 4/3r³ इक्वल टू r²h, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप में 4/3r³ इक्वल टू r²h, 4/3 r³, r³ का मीनिंग क्या होता है, तो r क्या है हमारे पास, r है 4.2 सेंटीमीटर, स्फीयर का r कितना है 4.2 और होल क्यू है ना, तो मैंने क्यूब कर दिया, इक्वल टू r²h। तो ए वाला आर मतलब ये सिलेंडर का रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने 6 का होल स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई एच एज इट इज। सो देयरफॉर 4/3 × 4.2 होल क्यूब है, तो मतलब 4.2 होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, 4.2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू 6 होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 6 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा इंटू एच एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं। अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो 6 है ना और ये वाला 6, ये एच के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, ये 6 दोनों 6 इस और आ जाएंगे ना तो डिनोमिनेटर में आएंगे, तो एच इक्वल टू क्या हुआ, 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 4.2 4.2 4.2 एंड डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6 मैंने कर लिया। तो देयरफॉर क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर एच इक्वल टू 4/3 एज इट इज। अभी 4.2 में ये जो पॉइंट है ना वो हमें हटा देना है, पर पॉइंट कौन से प्लेस वैल्यू पे है, तो देखो वंस टेंस टेंस है ना, तो 42/10 किया, सिमिलर यहाँ पे 4.2 में से पॉइंट रिमूव किया तो 42/10, सिमिलर 4.2 में से पॉइंट रिमूव किया तो 42/10। ठीक है,
साथ में क्या बचा नीचे, 6 × 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब किस तरह से हमें ये सबको कट करेंगे, ठीक है, तो 3 और 42 को कट करके मैंने लिखा 14, क्यों, क्योंकि 14 के टेबल में 42 आता है। यस, 14 वन्स आर 14, 14 टूज आर 28 एंड 14 थ्रीज आर 42, तो 3 और 42 को कट करके मैंने 14 लिखा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 42 है, तो मैंने क्या किया, 6 × 7 = 42, मैंने क्या किया, 6 × 7 = 42। सिमिलर ऑल्सो 6 × 7 = 42, क्या लिखा मैंने, 6 × 7 = 42, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, तो देयरफॉर एच इक्वल्स टू 4 × 14, 14 × 7 एंड 7 × 7, तो देख रहे हो 14 × 14 × 7 × 7 और डिनोमीटर में क्या बचा है, तो 10 × 10 × 10, ओके 3 × 10 है, तो देयरफॉर एच इक्वल्स। अभी मैं क्या कर लाओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लाओ, 14 × 14 = 56 होगा मल्टीप्लाई, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 7 × 7 = 49 और डिनोमीटर में 10 × 10 = 100 और 100 × 10 = 1000 मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो तो देयरफॉर एच इक्वल्स, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 56 × 49, मतलब 56 को मैं 49 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आप देख रहे हो मैंने साइलैब वर्ड में किया हुआ है मल्टीप्लीकेशन, 56 × 49, ठीक है, 9 × 6 = 54, 4 × 5, 9 × 5 = 45 एंड 5 ऐड करो 50 प्लस 1 कंप्लीट सेट, यस 10 × 10, 4 × 6 = 24, 4 × 2, 4 × 5 = 20 एंड 2 = 22, 4 + 0 = 4, 4 + 0 = 4, 5 + 2 = 7 एंड 2 एज इट इज, सो क्या है आंसर, 2744, क्या है आंसर, 2744, ठीक है, डन।